किसानों के प्रति दुर्व्यवहार, मेडिकल एजुकेशन माफिया और गंगा के कटाव से पीड़ित लोगों के सवाल पर जन अधिकार पार्टी 21 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगी। इसकी जानकारी आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सह सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने पटना स्थित मंदिरी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की है। उन्होंने कहा कि बिहार में ना सिर्फ किसानों की हालत बिगड़ी है और ना ही यहाँ लोग सुरक्षित हैं, मेडिकल और एजुकेशन माफिया की चांदी है जिसे सरकार का समर्थन भी मिलता है, इसलिए जन अधिकार पार्टी इनके खिलाफ 31 दिसंबर को राजभवन मार्च करने वाली है। इन मुद्दों को लेकर वो सदन में भी उठाने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी अपराध और किसानों के सवाल पर इस पार्टी प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन भी करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो बिहार बंद भी किया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा है कि पूरा बिहार सूखे की चपेट में है, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर है ही नहीं। हद तो तब हो गई जब कमिश्नरी के एक जिले को सुखाड़ घोषित कर दिया जाता है, जबकि उसी कमिश्नरी के दो जिलों को यूं ही छोड़ दिया गया। सांसद ने कहा कि जहां देश किसानों के सवाल पर आंदोलन मोड में है, वहीं बिहार इस पर भी मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद राज्य में इसकी खरीद नहीं हो रही है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं वो ही किसानों का धान खरीदते हैं, जबकि उन्हें पता है कि प्रदेश में कोई भी क्रय केंद्र काम नहीं कर रहा है। 80% क्रय केंद्र तो खुले ही नहीं। यही वजह है कि 1100 के नीचे दलाल, पूंजीपति और बिचौलिए द्वारा धान खरीदे जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों के सवाल पर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।